हॉलीवुड बॉलीवुड पॉलिटिक्स ग्लैमर फैशन एजुकेशन लाइफस्टाइल ऑन डिजायर न्यूज वास्तविकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा डिजायर न्यूज से आज फिर आपके सामने फेस टू फेस बिग शॉट में एक ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं कि जो बॉलीवुड से लेके अब साउथ की मूवीज में भी जा रहे हैं, मीनाक्षी कपूर। तो आइए हम जानते हैं मीनाक्षी से कि वो अपनी लाइफ के बारे में अगर वो खुद बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मीनाक्षी, आपका डिजायर न्यूज में स्वागत है और आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं कि आपने अपनी लाइफ जर्नी कैसे शुरू करी। जैसे देखा जाए कि संजीव जी, मेरी लाइफ जर्नी के बारे में, काफ़ी स्ट्रगल रहा मुझे और काफ़ी मेहनत करी है ये प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए, और अभी भी बोलते हैं कि स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता है, तो ये तो चलता रहेगा स्ट्रगल। तो एक इंसान को अगर स्ट्रगल के बिना कोई चीज़ मिलती है तो उसका उतना मज़ा नहीं आता। तो आप मुझे बताइए कि आजकल आपके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? आजकल देखा जाए तो तमिल तेलुगु पिक्चर कर रही हूँ, आइटम सॉन्ग कर रही हूँ, पंजाबी म्यूजिक एल्बम कर रही हूँ, और लॉकडाउन के जैसा देखा गया है कि काफ़ी लोगों का काम नहीं था बॉम्बे के अंदर, साउथ के अंदर पूरी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल सब कुछ स्टार्ट हो चुका है और लगातार मेरे इवेंट्स भी हैं, काफ़ी पॉलिटिकल इवेंट्स कर रही हूँ मैं और काफ़ी पिक्चरें कर रही हूँ तमिल तेलुगु, आप आने वाले समय में देखेंगे मेरी मूवी। एक चीज मीनाक्षी जी, देखिए आज के टाइम में सबका ग्रुप जो है जब से कुछ फिल्में सुपर हिट हुई हैं तो साउथ की तरफ है, तो आप साउथ की इंडस्ट्री को किस तरीके से देखते हैं? साउथ की इंडस्ट्री आप देखेंगे कि बॉलीवुड से ज्यादा पॉपुलैरिटी साउथ के अंदर हो रही है, जितने भी बॉलीवुड के जैसे आप दो तीन हीरोइन का देख लो, आलिया भट्ट हो गई, वो भी साउथ में इंटरेस्ट है, भट्ट कैंप की लड़की है, साउथ के अंदर काम कर रहे हैं क्योंकि साउथ की पिक्चरें बहुत पीपल लाइक करते हैं, बहुत लोग लाइक करते हैं, तो साउथ का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक तो लाइकिंग है, पॉपुलैरिटी है, फैमिली है और कोई कंट्रोवर्शियल न्यूज़ नहीं आती है, तो बहुत से लोग साउथ की तरफ प्रेफर करते हैं। नहीं, आपने सही कहा कि देखिए कि आज की तरफ साउथ की तरफ झुकाव है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़, क्योंकि एक जो एक्टर होता है, एक्टर के लिए साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कोई चीज़ मैटर नहीं करती, बॉलीवुड को आप कैसा समझते हैं? बॉलीवुड में और साउथ में कितना फर्क आप समझते हैं? बॉलीवुड और साउथ दोनों बराबर है, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो साउथ बॉलीवुड से ज्यादा आगे निकल चुका। मैं अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप क्या समझते हैं कि साउथ में प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है जी। उसको आप कैसे देखते हैं कि किस तरीके से प्रोफेशनलिज्म को अगर आपको कंपेयर करना पड़े साउथ और बॉलीवुड के, उसमें तो आप साउथ को किस तरीके से कंपेयर करते हैं, कैसे अच्छा है साउथ? साउथ तो बॉलीवुड से इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ के लोग एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन टू अर्थ है, ज्यादा दिखावा नहीं है, आर्टिस्ट की इज्जत करते हैं, आर्टिस्ट को भगवान स्वरूप देखते हैं, तीसरा यह है कि टाइम वेस्ट नहीं करते आर्टिस्ट का और टाइम से ही उनका पेमेंट मिल जाता है, पॉपुलैरिटी ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं कि साउथ के बारे में मैं बोलूंगी तो बहुत ही बोलेंगे कि आप साउथ की ही पब्लिसिटी ज्यादा कर रहे हैं, और बॉलीवुड में उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती है और शूट का टाइम आगे पीछे होता रहता है, एक आर्टिस्ट वेट करता रहता है, और दूसरा है जितना उसको पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए वो सिर्फ मेन आर्टिस्ट को मिलती है, पीछे बैकग्राउंड आर्टिस्ट को नहीं मिलती। तो मतलब आपका कहना है कि अगर आप लीड रोल में नहीं है तो जो बाकी रोल है उनमें ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, उनके टाइम को जो है ठीक से मैनेज नहीं किया जाता और पेमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि हर इंसान आज के टाइम में पैसे के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा है। आपकी और क्या क्या हॉबीज हैं मीनाक्षी जी? देखिए जैसे एक तो आपका एक्टिंग हो गया, उसके बाद हमें पता चला कि आप डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, तो और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? जी संजीव जी, मैंने 4 साल डांस सीखा है गणेश आचार्य के इंस्टीट्यूट के अंदर मुंबई के अंदर, और बचपन से भी डांसर रही हूँ, घर में भी डांस करती थी और जैसे गाना चला कांटा लगाए कुछ भी है छोटा मोटा उस पर करती थी, फैमिली रोकती थी कि नहीं तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि बाद में जब मैंने एक मिरर के आगे अपना डांस देखा तो वो एक आइटम वाला डांस था जो मुझे भी नहीं पता था कि मैं आइटम कर रही हूँ, ये स्टेप ये एक्सप्रेशन मेरे आइटम टाइप के थे, तो तब से मुझे पता लगा कि मैं आइटम कर सकती हूँ, और मुझे जो गणेश आचार्य सर के इंस्टीट्यूट के अंदर जो सर थे उन्होंने भी बोला कि कभी अपने आप को शीशे के आगे तुमने देखा है तो
तो मैंने बोला नहीं मैंने नहीं देखा है, तो बोला एक बार देखना तुम्हारे लुक और एक्सप्रेशन आइटम करने में एक नंबर हो। तो तब से मैंने सोचा कि आइटम सॉन्ग को भी आगे बढ़ाया जाए, जब इतनी खासियत है और इतना मैंने सीखा है तो आइटम बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। नहीं मीनाक्षी देखिए बहुत अच्छा है। अब इसमें एक बात और आ जाती है कि जब आप शीशे के सामने डांस कर रहे होते हैं तो क्या एक लड़की होने के नाते आपके पेरेंट्स ने कभी आपको प्रमोट किया कि भाई आप इतनी अच्छी टैलेंटेड हैं तो आपको बढ़ावा देना चाहिए आगे? पेरेंट्स में देखा जाए तो वो लोग तो हंसते रहते हैं कि कभी क्या बन जाती है, कभी क्या बन जाती है। और मैं जब किसी रोल के अंदर आऊं तो उस रोल में इतनी खो जाती हूँ ना कि मुझे खुद ही नहीं पता लगता कि मैं किचन में भी खाना बनाती हुई डांस करती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स खुश होते हैं और बोलते हैं जब तुम्हारे में इतना टैलेंट है तो तुम स्टेज पे लेके क्यों नहीं आती। और आज उनकी ब्लेसिंग से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ कि मैंने 100 से ज्यादा इवेंट्स किए हैं, पिक्चरें भी की है और अभी साउथ के अंदर भी आ रही हूँ। तो उनकी ब्लेसिंग के बिना तो नथिंग। नहीं मीनाक्षी तुम्हें देख के मुझे एक चीज याद आ गई कि वो कपिल शर्मा शो में वो जो लड़की आती है वो हमेशा यही कहती है कि तुम्हारे मम्मी डैडी लड़ते क्यों रहते हैं। हाँ। तो वही क्वेश्चन होता है कि मैं किस पे गई हूँ, वही चीज इस पे लड़ते रहते हैं। मैं किसी पे नहीं गई। तो मतलब आप अपनी फेवरेट है? मैं अपनी फेवरेट और मैं अपने से ही प्यार करती हूँ। वेरी गुड मीनाक्षी, एक चीज और भी दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत जब करी अपनी जिंदगी के करियर की तो आपने क्या सोचा था कि आपको जिंदगी में कहां तक जाना है, आपकी तमन्नाएं क्या क्या है, आपकी डिजायर क्या क्या है लाइफ की? मैंने जब स्ट्रगल किया तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पहले से ही सलमान बैनर और इन लोगों के बीच में रही हूँ, बिल्डिंग में रही हूँ सेम। आते जाते वो लोग बोलते थे कि एक्टिंग करेगी, उस टाइम तो मैं सोचती कि नहीं यार ये क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं, एक्टिंग मैं कहाँ से करूँगी और कैमरा कहाँ से मैं फेस करूँगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे नहीं पता था कि मैं डांस सीख रही हूँ और मैं 4-4 साल के कोर्स कर रही हूँ डांस के और ये सब हो रहा है मेरे खुद के अंदर ही। तो एक दिन मुझे किसी ने कॉल किया कि एक्टिंग करोगी, मैंने बोला ठीक है। मैंने जिंदगी में कैमरा फेस नहीं किया सर, जिंदगी में कैमरा फेस नहीं किया और कुछ नहीं, और मैं डायलॉग पर डायलॉग बोली जा रही हूँ और एक्सप्रेशन दे रही हूँ। तो मेरी फैमिली भी बैठ के अचंभे में थी, ये क्या। तो बोलते हैं ना कि आप जिस माहौल के अंदर रहते हो वो चीजें आप पे खुद ब खुद आती है। नहीं बहुत अच्छा है, देखिए जब तक आदमी किसी चीज को आगे लेके नहीं जाता है उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। अब आपको अगर एक मौका मिला, आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला तो ये बहुत ही बहुत कम लोगों को जो है वो मिलता है। इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज है कि अगर मान लो आप अब साउथ में भी जा रहे हैं उसके बाद आप बॉलीवुड के अंदर भी करेंगे तो एक्टिंग के अलावा आपका और क्या ऐसे डिजायर है जो आप पूरी करना चाहते हैं? देखा जाए तो अभी तो एक्टिंग ही मेन है, डांस सुपरस्टार तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की बनना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद भी लोग ना भूले। और स्टार का तो पता नहीं, लेकिन इतना है कि मेरी एक्टिंग के दम पे मैं सब लोगों को एंटरटेन करूं और अपना नाम बरकरार उनके दिलों के अंदर रखूं। जैसे लता मंगेशकर जी है, कितना लेजेंड नाम है, तो मैं लेजेंड बनना चाहती हूं। नहीं देखिए ये तो हर इंसान की एक डिजायर होती है कि वो जाने से पहले अपना एक नाम अच्छी तरीके से इस समाज को देखे जाए, और हर इंसान का फर्ज भी है कि जो टैलेंट आपको मिला है उस टैलेंट को आप यूटिलाइज करें और आगे तक लेके जाए। तो अगर कभी आपको मौका मिले कि आपको बोला जाए कि आप एक्टिंग को छोड़ के आप किसी और प्रोफेशन को अडॉप्ट करें तो क्या प्रोफेशन होगा वो? संजीव जी सेकंड प्रोफेशन तो एक राजनीति है। ओके। और मेरे फादर बचपन में बोलते थे कि मैं लड़कों को मारती थी। ओके। कोई छेड़ता था या साइकिल से कोई भी बदतमीज हुई तो मैं पकड़ पकड़ के मारती थी, और मुझे खुद नहीं पता होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और अपनी चलानी, हक के लिए लड़ना और इंसाफ दिलाना। किसी बच्चे का कोई खिलौना भी लेता था तो मैं बोलती थी कि कैसे ले लिया, घर पहुंच जाएगा उसके। तो ये सब चीजें बचपन से मेरे ब्लड के अंदर है। तो राजनेता भी एक ऐसे रहते हैं जो अच्छाई के काम करते हैं और इंसाफ के काम करते हैं, और वही है इंडिया को बढ़ाने का काम करूंगी मैं। इंडिया के लिए बहुत सारी चीजें हैं, शिक्षा को लेकर, बच्चों को लेकर, तो एक अच्छे लेवल का भी काम है, क्योंकि एक मैं एजुकेशन मेरी अच्छे लेवल की हुई है और मेरे खुद के फादर बीजेपी के अंदर थे। वेरी गुड। तो वो सब
नहीं बहुत अच्छा है। देखिए मीनाक्षी, जब भी आदमी को मौका मिले, आपने सही कहा कि राजनीति में अगर आना भी है तो राजनीति अपने आप में एक समाज सुधार का ही काम करते हैं, समाज सुधार का ही काम करते हैं और हर इंसान को करना भी चाहिए। और मीनाक्षी, अभी तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं? 100 मिले, और भी उससे भी बड़े अगर जितने भी अवार्ड है वो आपको मिले, आपके डांस को, आपकी जो आने वाली एल्बम है, जो आपके सॉन्ग है, जो मूवी है, वो ऑस्कर तक पहुंचे, हमारी यही आपसे जो है तमन्ना है भगवान से कि वो आपकी तमन्नाओं को पूरी करे और आपकी डिजायर को पूरी करे। इसीलिए हमने नाम ही इसका अपने ग्रुप का डिजायर रखा कि लोगों की डिजायर है वो हमेशा पूरी होती रहे। मीनाक्षी, आप एक लड़की हो, एक लड़की के लिए ये इंडस्ट्री कितनी सेफ है, कि क्या क्या प्रिकॉशन, क्योंकि आज यंग जनरेशन जो है उनका सबका झुकाव ये रहता है कि जो आदमी थोड़ा सा भी सुंदर है, या अब जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म आ रहे हैं उन सोशल प्लेटफॉर्म को देखते हुए हर इंसान बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरफ को बढ़ रहा है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और कैसे काम करना चाहिए? इस टॉपिक पे मैं यंगस्टरों के लिए एक ही मैसेज दूंगी जो स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे बॉलीवुड में या कोई भी फील्ड में, साउथ हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, कोऑर्डिनेटरों से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि मोस्टली जो बॉम्बे के कोऑर्डिनेटर हैं वो कुछ और ही काम करते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि पिक्चर है, शूट है, ये प्रोफाइल है, लेकिन कुछ होता नहीं है, वो टाइम पास करते हैं। और आपकी एक्टिंग और सही जगह ऑडिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नामी गिरामी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो नामी गिरामी प्रोडक्शन वाले हैं, आप यशराज हो गया, शशि सुमित हो गया, बहुत सारे प्रोडक्शन है, तो वहाँ जाकर ही आप ऑडिशन दीजिए, ना कि छोटी मोटी गलियों के अंदर आप ऑडिशन दीजिए। और सड़क चलते हुए कोऑर्डिनेटरों पे बिलीव मत कीजिए। होली वाली लड़की थी, इतना शॉर्ट पहन के बारिश में खड़ी हुई थी और मैं जिम करके जा रही थी आई थिंक, तो एक थे उनके साथ, तो बोलते कि संजय दत्त से मिलवा देता हूँ तुझे, तो मेरे को सुनाई दिया। अब वो सब मेरे को जानता है कि मेरा बैकग्राउंड और फैमिली अच्छी है मुंबई में, लेवल में, तो बोलता मीनाक्षी कपूर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला आप ये बताइए किसको लेके खड़े हैं, पहली बात, ये रियल बात है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे, तो मैंने बोला बेकार भी, लड़की भोली वाली है, बारिश में हील पहन के खड़ी भी है मुंबई के, और कैसे चलेगी बारिश के अंदर, कहाँ लेके जा रहे हो 7 बजे शाम के? संजय दत्त के लिए और लड़की को बला फुसला के लेकर जा रहा था और वो खुद ही संजय दत्त को नहीं जानता है, तो मैंने उसको बोला भाई मैं कॉल करूँ संजय दत्त को, नहीं नहीं मीनाक्षी कपूर हम जानते हैं आपको, ऐसा करके भोली भाली लड़के को गुमराह किया जाता है। तो मुंबई के कास्टिंग वालों से बच के रहें, सही प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन दें और सही लोगों के साथ ही काम करें, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ। नहीं देखिए मीनाक्षी, आपने बहुत अच्छा बताया, दर्शकों को भी ये बात बहुत पसंद आएगी कि आप जब भी आप अपनी डिजायर को पूरी करिए, आप बिल्कुल, अगर आपको बॉलीवुड में जाना है, हॉलीवुड में भी जाना है, तो आप बिल्कुल जाइए, लेकिन जैसा मीनाक्षी ने बताया कि आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो सड़क चलते हुए लोग हैं उन पे आप ट्रस्ट ना करें, आप प्रॉपर अगर किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं वहीं पे जाके आप अपनी ऑडिशन दें, तो ये बहुत चीजें जरूरी हैं आज के टाइम में। एक चीज और मुझे आपके बारे में पता चली थी कि आप बिग बॉस पे भी जाना चाहती हैं, आप उसके बारे में बताएंगे कुछ? सर बिग बॉस के लिए तो मैं पहले से भी लगी हुई थी कि बिग बॉस के अंदर जाऊं और बहुत लोगों को सुधारूं। बिग बॉस का आपने बैकग्राउंड देखा ही है कि किस तरीके से क्या करते हैं, वहां पे अनुशासन की कमी है, तो अनुशासन लाने के लिए भी मैं जाना चाहती हूँ, कायदे में लाकर सबको सही तरीके से काम कराना चाहती हूँ। जैसे सलमान जी बोलते हैं कायदे में रहिए, कोई कायदे में नहीं रहता, तो कायदा मैं समझा दूंगी जाके, बस इसलिए बिग बॉस में जाना चाहती हूँ। नहीं मीनाक्षी, आपने बहुत अच्छी बात कही, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आपने एक चीज क्लियर कर दी जो हम कई दफे मीडिया वाले नहीं बता पाते कि आप वहां पे जाके और जितने बदतमीज है उनको ठीक करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं मीनाक्षी जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से तरक्की करती रहें। तो दोस्तों हम आज अपने बिग शॉट फेस टू फेस में जो मीनाक्षी कपूर से बात हमने करी, ये बहुत ही अच्छी नेचर की है और आने वाली फिल्मों में आप इनको देखेंगे, इनके आपने इतने आइटम सॉन्ग भी देखे होंगे और डिजायर न्यूज में आए, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
डिजायर न्यूज, वास्तविकता वही जो हमने कही।